तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी की, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 27.31 है। और आप देख सकते हो लास्ट वर्किंग डे में, फ्राइडे में, इस स्टॉक में अपर सर्कल लग गया है, 2% का अपर सर्कल लगा है। जी हम बात कर रहे हैं DRC सिस्टम्स इंडिया की। इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट देखेंगे, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, वैल्यूएशंस भी देखेंगे, तो एंड तक जरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले नए आए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। दोस्तों किसी भी स्टॉक में कभी भी आंख बंद करके निवेश मत करो, क्योंकि यदि कंपनी के फंडामेंटल्स हैं तो ही उस स्टॉक में आपका सेफली पैसा बनेगा और रिस्क भी कम होगा। यहाँ पे देखो, इस स्टॉक में 5 डेज में 6% की बढ़िया रैली है, कंटिन्यूसली सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, 1 मंथ में फ्लैट ट्रेंड है, जबकि 6 मंथ में देखोगे ये स्टॉक नियरली 20% के अराउंड रिटर्न्स बना के दे चुका है, और 1 ईयर में देखोगे तो ये स्टॉक जो है वो डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा हो गया है, 108% से ज्यादा रिटर्न जो है 1 ईयर में बने हैं, 5 ईयर्स में और भी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है, 5 ईयर्स में 477% के रिटर्न्स बन चुके हैं। अब इसका लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट का डाटा देखते हैं। दोस्तों जून क्वार्टर में यदि इसके नंबर्स देखें तो रेवेन्यू देखें तो 15.36 करोड़ आया है, यहाँ पे 116% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब कंपनी के नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है, डबल से भी ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है, मतलब कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं। अब मार्जिन्स देखो, मार्जिन्स भी 59% के हिसाब से बढ़ के 25% हो गए हैं, और नेट इनकम देखें बॉटम लाइन जो है वो इसकी 245% के हिसाब से बढ़ के 3.85 करोड़ हो गई है, जबकि डिल्यूटेड ईपीएस भी 262% के हिसाब से बढ़ गया है। तो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार निकलकर आ रहे हैं। तो यही एक कारण है दोस्तों इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी चल रही है, क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर आउटस्टैंडिंग है। तो इसका हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डाटा एक बार चेक कर लेते हैं। जीरो ऑन जीरो बेसिस पे तो कंपनी का जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, 3 टाइम्स से भी ज्यादा हो गई है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक बार इसका डाटा चेक करेंगे दोस्तों। हाँ, यहाँ पे जरूर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। पहले रेवेन्यू का डाटा देख लो, ये देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो जून में थोड़ा सा स्लंप आया है, डाउन ट्रेंड भी आया है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 17 करोड़ से गिर के 15.37 करोड़ हो गया है, ये आपको नोट करना है दोस्तों। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट भी अब इसका जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिर रहा है फ्रॉम द लास्ट 3 क्वार्टर्स, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत ही शानदार नतीजे हैं। अब इसकी एनुअल बेसिस पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं, यदि हम देखें तो ये इसका जो है पॉजिटिव ट्रेंड जो है आपको देखने को मिलेगा। नेटवर्थ देखें तो कंपनी का वो भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। दोस्तों यदि कंपनी का बिजनेस देखें तो ये कंपनी का आईटी सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है, कंसल्टेंसी एंड बिजनेस सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी एनेबल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग द वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज। तो कंपनी आईटी सेक्टर की एक अच्छी कंपनी। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जो लेटेस्ट आया है, तो रिटेलर के पास देखो 77% का स्टेक बना हुआ है, प्रमोटर के पास 22.44% और FIIs ने इस स्टॉक में जो है अब इन्वेस्टमेंट कर दी है, उनकी 0.38% की जो होल्डिंग है, जबकि मार्च में 0.67% की होल्डिंग थी। और यदि हम देखें तो थोड़ी कम जरूर हुई है FIIs की होल्डिंग, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन दोस्तों हम यही कहेंगे इस स्टॉक को सिप कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपने पैसा कमाना है तो ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, इसको धीरे धीरे करके अकमुलेट करो, जितना ही कोई डिप मिलता है उतना ही अकमुलेट करो, क्योंकि ये स्टॉक ना छोटी छोटी करेक्शंस के बाद ऊपर ही जाता है। ये देख सकते हो इसका वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन ये छोटी छोटी करेक्शंस के बाद ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ये एक अच्छी इंडिकेशन है। अब फिर गिरावट के बाद ये स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब इसकी एक बार वैल्यूएशन का डाटा जरूर हम आपको शो कर देते हैं कि स्टॉक की जो प्राइस है वो अर्निंग के मुकाबले किस तरह का ट्रेंड शो कर रही है, ये चेक करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। एक बार कंपनी का मार्केट कैप 362 करोड़ का है, पीई रेशियो कोई ज्यादा नहीं है, 25 के अराउंड पीई मल्टीपल इसके जो है वो चल रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री की पीई रेशियो 33 की है। तो कंपनी डेब्ट फ्री है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नील है, आरओई परसेंटेज 24% से भी ऊपर है, मतलब वैल्यूएशन भी ठीक है, डेब्ट कंडीशन ठीक है,
आरओई परसेंटेज फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम में, आप इस स्टॉक पे जो है जरूर फोकस करें। सो थैंक्स अगेन, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नए इसमें एक नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ। थैंक्स।